मैंने वो नहीं दिख रहा है इसमें, आरती का जो मैटर है वो नहीं दिख रहा है, ऊपर जीव ही जीव का बिछौना है सारा का सारा। चलो ये तो नियम कर ले कि हम नहीं करेंगे आरती, भगवान नाराज नहीं होंगे। किसी ने प्रतिज्ञा कर ली हो तो वो भी कुएं में पटक दे तो उसको पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। ऐसी झूठी प्रतिज्ञा किसी ने की हो तो वो उस प्रतिज्ञा को कुएं में डाल दे और छोड़ दे ऐसी आरती करना। ओके साहब, उसकी लाइट की वो बैटरी चली है ना आजकल। अरे पर ये आरती तेरा पंथ का विधान ही नहीं है, विधान ही नहीं है तेरा पंथ। जो उसे बैटरी से करेगा तो फिर वो इस दीपक से भी करेंगे लोग, क्योंकि लोग जानेंगे कि आरती का विधान है ऐसा है। नहीं हमारे यहाँ तेरा पंथ नहीं है, न मालूम कितनी बातें हैं तेरा पंथ में। इतना तो नियम कर लें हम, यही नहीं सम्मेलन शिखर में ही नहीं, वहां जाकर अपने मंदिरों में अपने घरों में भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा। अखंड दीपक जलते हैं ना जहाँ भगवान के सामने, कई जगह ऐसे विधान है कि नहीं, अखंड ज्योति। उस अखंड ज्योति में कितने जीवों का, कितने जीवों की समाधि होती होगी अखंड ज्योति, जहाँ भी होती है बहुत जगह होती है। तो कम से कम यह तो देखें, इतना विचार तो हमको आता होगा, इतना विचार तो, कि यदि हमारे जरा सा कांटा लग जाए, कांटा लग जाए थोड़ा, कोई आदमी अगर कोई नाखून हमको चुभो दे हमको कितना दर्द होता है। और एक जीव की मृत्यु अकारण, और वो भी भक्ति के प्रकरण में अनंत जीवों की हत्या, क्या विचित्र है बात। जयपुर में था एक बार, उपवास करते हैं ना लोग अनंत चतुर्दशी का, तो रात तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, और सवेरे रात को नींद तो आती, बहुत कम लोगों को आती है, नींद तो आती नहीं है। अब देखा करते हैं सवेरा कब हो, सवेरा कब हो, तो जल्दी उठ जाते हैं, और जल्दी उठकर 4 बजे 5 बजे ही मंदिर। अब क्योंकि पारणा करना है ना, इसलिए प्रक्षाल भी करना और पूजा भी करना, फिर इसके बाद आके हलवा खाना। तो गए वहां और करते थे सब अभिषेक वगैरह करते हैं ना, पंचामृत अभिषेक। तो चतुर्दशी का रात को तो पंचामृत अभिषेक हुआ, और प्रातः काल उस प्रतिमा में असंख्य चींटियां थी। अब वो गए भाई साहब, उन्होंने अंधेरे में पहुंच डाला उसको, और घर पे आके उपवास का पारणा किया। कितना बढ़िया उपवास हुआ होगा और कितना बढ़िया पारणा हुआ होगा, फिर भी हम इस अंधविश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं। आंखों से देखते हैं फिर भी अंधविश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे लोग नहीं छोड़ते ना देवी देवताओं के विश्वास को, साक्षात देखते हैं कि देख जिस बीमारी का देवता तू मानता है इस देवता को, तो वो बीमारी इस देवता की पूजा करते करते तेरी मिट नहीं रही है, क्यों नहीं छोड़ देता है इसको। बोले नहीं नहीं मैं तो छोड़ूंगा तो नहीं कहता, ऐसा अंधविश्वास निरंतर देख रहे हैं आंखों से कि महान हिंसा हो रही है, और फिर भी हम आरती करते हैं, छोड़ देना चाहिए। बहुत बातें हैं, धूप खेते हैं, धूप खेना कितने हिंसा होती है जीवों की, वो जो धुआं है उससे कितने जीव मरते हैं, और उस अग्नि में भी कितने जीव पड़ते हैं, और हम केवल उसमें धूप डालते हैं, क्या होगा अगर नहीं भी डालें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर केवल टेबल पर ही रख दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या अंतर पड़ने वाला है। आठ कर्म कैसे जलेंगे, आठ कर्म जलेंगे तो नहीं, पर आठ कर्म टाइट और हो जाएंगे और मजबूत हो जाते हैं। इतना